ओ माय गॉड, इतनी सारी बर्फ। ये देखिए, बर्फ ही बर्फ। क्या मैं शिमला में हूँ? देखिए इतनी बर्फ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतनी बर्फ। देखिए ये कहाँ का व्यू है, देखो इतनी सारी बर्फ बर्फ। वही बढ़िया देखना, जगत मामी के घर आई बर्फ। देखो इतनी सारी कि जगत मामी शिमला पहुंच गई है। देखो कहाँ पहुंच गई है, इतनी बर्फ कहाँ होती है बताओ। वेलकम टू माय चैनल जगत मामी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो गाइज ये देखिए, मैं आपको इतनी सारी बर्फ दिखा रही हूँ। ये देखो सारी बर्फ है, इतनी सारी आइस है। ये देखिए, क्या आपने अपने घर में कभी इतनी बर्फ देखी है? ये देखिए तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ का व्यू है। दिखाती हूँ मैं आपको, शायद दिख गया होगा थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये इतनी बर्फ कहाँ है। ये देखिए, ये है मेरे फ्रिज में। ये मेरे फ्रिज में है बर्फ। तो ये छोटा सा क्लिप ऐड करने के लिए मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ इतनी सारी बर्फ देख कर। क्या आपके फ्रिज में भी ऐसी इतनी बर्फ होती है क्या, बिल्कुल शिमला की तरह? ये देखो, और जबकि मैंने दो मतलब कि परसों रात को, हाँ कल रात को सुबह ऑन की है, कल रात को और कल दिन में ऑफ रखी थी फ्रिज को, कि यहाँ पे कुछ पड़ा था वो निकालना था। तो ये देखिए यहाँ से पिघल गई थी। ये देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, गिलास पता नहीं, एक बाउल सा पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पता ही नहीं, जो भी मतलब कि जिसमें हम बर्फ़ रखते हैं वो पता ही नहीं कहाँ खो गए हैं, कहाँ गायब हैं पता नहीं। यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है, जिसमें से मैंने वन डे और वन नाइट में ऑफ रखी थी फ्रिज, फिर कल सुबह ऑन की। तो फिर ये देखो बर्फ़ कितनी तो पिघल चुकी है। ये देखिए यहाँ का पार्ट कितना खाली हो चुका है, काफ़ी पिघल गई बर्फ़। लेकिन फिर भी ये शिमला से कम नहीं है। ये देखिए, क्या आपकी फ्रिज में ऐसी कूलिंग होती है? ये देखिए, ये नीचे का जो ट्रे का पार्ट है, ये बाहर भी नहीं निकलता क्योंकि यहाँ से बिल्कुल, ये देखिए आपको ये जहाँ से नज़र आ रहा होगा यहाँ से बिल्कुल बर्फ़ है। ये देखिए बिल्कुल आइस आइस हुई पड़ी है। और बकायदा यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको ये चीज़ रोड है ना, यहाँ तक भी बर्फ़ थी। ये मैंने टूरिस्ट जैसे ऑफ रखी ना, वन डे और नाइट में ऑफ रखी, तब जाके ये कम हुई। तो अदरवाइज अभी भी कम नहीं है। तो कैसा लगा हमारा शिमला बताना कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना कि आपके घर में भी फ्रिज में ऐसी कूलिंग होती है और ऐसी बर्फ़ होती है। जिसकी होती है वो बताना, जिसके नहीं होती वो भी बताना। तो ये अगर मैं फ्रिज ऑफ भी करती हूँ तब भी 2 दिन में इसका यही हाल हो जाता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये सही है, क्या करूँ इसका मैं। ऑफ़ करती हूँ तो सामान कहाँ रखूँगी? ये देखिए अब कितनी देर की मैंने फ्रिज ओपन करी है ना, तो ये देखो सारी पिघल रही है। ये देखिए, तो जिस किसी ने भी शिमला घूमना हो तो जगत मामी के घर आइए, फ्रीजर में बैठिए बर्फ के मजे लीजिए। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा शिमला कैसा लगा आपको, हमारा फ्रिज कैसा लगा। और मैं आपको इसका मतलब के ये भी दिखाती हूँ कौन सी कंपनी का है। और जबकि ये देखो मैंने मतलब के मौसम के हिसाब से मैं इसको कम ज़्यादा भी करती रहती हूँ, फिर भी इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है। और ये है मेरी फ्रिज, LG की है ये देखिए। और इसका पैटर्न मतलब के जो डिज़ाइन है उस तरीके से है कुछ, ठीक है? तो LG की फ्रिज है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी फ्रिज में भी इतनी कूलिंग होती है। और ये देखिए मैंने मतलब कि मैंने 2 साल हो गए नहीं ली, हाँ 2 साल हो गए हैं इसको लिए हुए को, 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक भी कूलिंग इतनी अच्छी बनती है इसकी। क्या आपके फ्रिज में ऐसी कूलिंग होती है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।